हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल हाईवे क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट लॉस से पार्ट नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों आपको बताएंगे। और ये वाला जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसे ट्रिकी जो कॉन्सेप्ट हैं, मतलब जो ट्रिकी सवाल हैं, जो हैं तो छोटे छोटे, बहुत ही जल्दी लग जाएंगे, 2-4 सेकंड में लग जाएंगे, लेकिन अगर आपको उनका तरीका नहीं पता है तो फिर आप कितनी भी कोशिश कर लो, फिर अब वो सवाल आपसे नहीं लग पाएंगे। तो आइए इन सवालों को समझते हैं। आप इन सवालों को जब किताबों में देखेंगे तो फार्मूले बड़े बड़े हैं, उनको याद करने में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन हम आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे ये सवाल आपके चुटकियों में हो जाएंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर कल हमने 69 तक डिस्कस कर लिया था, आज हम लोग 70 से डिस्कस कर रहे हैं। और ये लेक्चर आपको सुबह, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 8 बजे सुबह आपको दे दिया जाएगा, ठीक है? तो आप अब की बार पिछला 10-15 दिन से आपको रेगुलर 8 बजे आ पा रहा है, और किसी दिन अगर ड्यूटी में हेर फेर रहता है तो फिर ये लेक्चर आपका नहीं आ पाता उस दिन। मान लो कहीं चेकिंग चल रही है तो पूरा सब सही करना पड़ता है, या कोई भी अधिकारी आ रहा है तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो उसको देखते हुए, तो ऐसा हमेशा नहीं होता है, तो इसलिए हमेशा वीडियो आपका आएगा। कभी कभार जब नहीं आएगा तो समझ लेना कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, ठीक है? चलिए देखिए, किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको आप सबसे पहले पहचान लीजिए, क्योंकि पहचानना बहुत ज़रूरी है। मान लो पहचान ही नहीं पाए तो फिर हम लोग उसमें क्या अप्लाई करेंगे। तो ऐसा पहचानने का हम तरीका बता दे रहे हैं, एक बार ही आपको रुपए दिए जाएंगे और किसी वस्तु के 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ या उतने ही प्रतिशत की हानि लिखी होगी। दो ही बातें लिखी हो सकती हैं, या तो लिखे होगा उतने ही प्रतिशत का लाभ, या तो लिखेगा उतने ही प्रतिशत की हानि, और एक आपको मूल्य दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर 24 रुपये में बेचने पर है, कहीं कोई अगला दूसरा मूल्य होगा, और जितना वस्तु का क्रय मूल्य ये भी कहा जाएगा। और फिर आपसे पूछेंगे कि भैया बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, पूछेंगे क्या आपसे, पूछेंगे यही कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो जब ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाए तो इसमें दो बातें ध्यान रखनी होती हैं, क्या? एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि लाभ दे रखा है या हानि दे रखी है। तो यहाँ पर लाभ दे रखा है, लाभ, तो आपको अगर लाभ दे रखा है तो आपको इसमें क्या देखना है कि जो हमारे पास जो मान है, जो वैल्यू है, जो आपको वैल्यू दी गई है, यानी कि जो मान दिया गया है, उसको आप लिख लेंगे यहाँ, और इसके ऐसे टुकड़े करेंगे कि घटाने पर आपको जो है 10 प्राप्त हो जाए। घटाने पर कितना प्राप्त हो जाए? 10, ये ध्यान रखना। ऐसे टुकड़े करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, ऐसे टुकड़े करेंगे कि घटाने पर, क्या घटाने पर, यानी आपस में टुकड़ों को घटाने पर, दो ही टुकड़े करने, ऐसे टुकड़े करेंगे कि घटाने पर 10 आवे या 10 आ जाए। और दो ही टुकड़े होंगे, दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। या ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका, ऐसे दो टुकड़े करेंगे जिनका अंतर आपको 10 होना चाहिए, ठीक है? और हमारा उत्तर 10 आ जाए, और अपना उत्तर छोटे वाले टुकड़े में 10 से गुना करके प्राप्त होगा। तो अपना उत्तर कैसे प्राप्त होगा? ऐसे दो टुकड़े करेंगे जिनका अंतर आपको 10 हो, और उन दोनों में आपको 10 से गुणा करनी है, लेकिन अपना उत्तर छोटा वाला जो टुकड़ा होगा उसमें आपको 10 से गुणा करनी रहेगी, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, हम लोग समझ लेते हैं इस बात को, ठीक है? तो चलिए, हम लोग 24 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका अंतर आपस में 10 होना चाहिए। तो भैया 24 के टुकड़े कर लो, आप नहीं कर पा रहे हो तो 24 के जितने फैक्टर होते हो आप लिख डालो उनको, जैसे 24 से जिससे जिससे कट रही हो, जैसे 2 से 24 कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, 6 से भी कट जाता है, 8 से भी कट जाता है, और 12 से भी कट जाता है, और खुद 24 से तो कट ही जाएगा, साथ साथ में 1 से भी कट जाएगा। तो भैया ऐसे दो टुकड़े ढूंढ लो जिनका अंतर 10 हो रहा हो। तो भैया यहाँ देखिए, 2 और ये रहा 12,
यानी कि 2 और 12 का जो गुणा है वो 24 है, 12 दूनी 24, लेकिन इनका अंतर 10 है, तो इसका मतलब 2 और क्या 12, तो एक एक जीरो भी लगा देंगे इसमें, ठीक है। और हमारा जो उत्तर होगा वो छोटे वाला टुकड़ा होगा, उसमें हमने 10 से गुणा कर दी है, ये हमारा आंसर है। अब आप कहोगे 120 का क्या होगा, 120 का कुछ नहीं होगा, उसको बस आप छोड़ दीजिए, ये सिर्फ लाभ वाले केस में होगा। लाभ वाले केस में आपको क्या करना है, 24 कैसे टुकड़े करने हैं, 12 दूनी 24, तो आपको छोटा वाला टुकड़ा लेना, उसमें 10 से गुणा कर लेनी है, वही आपका आंसर होगा और वही आपको एग्जाम में फंस जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको इतनी बात समझ में आई है, तो बिल्कुल जस्ट एक ऐसा ही और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप लगाओ और फिर हमें बताओ कि आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई। देखिए, एक कुर्सी जब 144 में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है, क्या हो रहा है लाभ, जितनी कुर्सी की लागत है, तो कुर्सी की लागत बताइए, कुर्सी की लागत मतलब सीपी बताइए, ये अपने को पूछ रहा है। तो दोस्तों इस टाइप के सवाल कैसे लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या पहचानना है कि लाभ हो रहा है, और ये भी कहा गया उतने ही प्रतिशत का लाभ हो रहा है जितने की लागत है, और कुर्सी की लागत बताइए, तो एक बार मूल्य दिया गया। तो चलिए हम लोग 144 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका घटाने पर 10 आ जाए, तो आपको 144 के सारे टुकड़े लिख लेने हैं। नहीं आता 144 के एलसीएम फैक्टर कर लीजिए, उनकी गुणा कर लीजिए। फिलहाल जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो लगभग 20 तक पहाड़े आपने याद ही कर लिए होंगे, तो 18 8 कितना होता है 144, यानी कि 8 और 18 की अगर गुणा कर लो तो आपको 144 पता हो जाएगा। 18 8 8 64 के 4, 8 1 8 6 14, तो एक एक जीरो लगा लेंगे, ये वाला आंसर होता नहीं हमारा, हमारा आंसर ये वाला है, तो ये हमारा राइट उत्तर है, तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पर 80 हो जाएगा। तो देखो कितना ईजी था, लेकिन अगर आप इसको और तरीके से सोचोगे तो फिर आपको टाइम लग जाएगा, फार्मूले में भी टाइम लगेगा, ठीक है, और इस तरीके से टाइम नहीं लगेगा। अब आइए हम जस्ट आपको एक इसका उल्टा देखिए, एक पुस्तक को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितनी पुस्तक का क्रय मूल्य है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। अच्छा, इसमें खास बात इस सवाल में ये रहती है कि उतने ही प्रतिशत का हानि या लाभ होता है जितना कि वस्तु खरीदी गई है और वस्तु का खरीदा गया मूल्य पूछते हैं। तो लाभ वाला केस आपने समझ लिया, अब आप हानि वाला केस समझो। हानि में, तो हानि में क्या करेंगे, ऐसे ऐसे दो टुकड़े, ऐसे दो टुकड़े करेंगे। अच्छा, हानि वाला लाभ से सरल है, देखना, ऐसे दो टुकड़े करेंगे जिनका जिनका योग 10 हो, ठीक है, और दोनों टुकड़ों में 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, तथा दोनों ही हमारे उत्तर होंगे, दोनों ही हमारे उत्तर होंगे, ठीक है। इस केस में यानी कि ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका योग 10 होना चाहिए, और दोनों टुकड़े में 10 से गुणा कर लेंगे, और वो दोनों टुकड़े हमारे आंसर होते हैं। और लाभ वाले केस में क्या होता है कि छोटा वाला जो टुकड़ा रहता है उसमें 10 से गुणा करेंगे, तो हमारा आंसर छोटा वाला रहता है, यहाँ पर दोनों टुकड़े हमारे आंसर होंगे, ठीक है। वो कब, सिर्फ और सिर्फ हानि वाले केस में आप ध्यान रखना है, 24 है यहाँ पर दिया गया है, तो 24 के ऐसे टुकड़े करो जिनका योग 10 हो जाए, तो 4 6 24 होता है, यानी कि 4 और 6, तो एक पुस्तक को 24 में बेचने पर उतने प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो 24 दिया गया है, तो 24 के टुकड़े कर लिए, 4 6 24, तो 4 और 6 में एक एक 10 से गुणा कर लेंगे, और हमारा दोनों आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, 40 या 60, ये पहला ऑप्शन। ऑप्शन कैसे मिलेंगे आपको, अब आप बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर ऑप्शन कैसे मिलेगा, ऑप्शन ऐसे मिला होगा 40 या 60 लिखा होगा, दूसरा ऑप्शन होगा 30 या 70 लिखा होगा, अगले ऑप्शन में लिखा होगा 20 या 80, या इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर होगा 40 या 60, और इन दोनों का योग हमेशा ही 100 रहता है, 100 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, सवाल कैसा भी हो इनका योग 100 ही रहेगा, आप ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। तो हानि वाले केस में दोनों को ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका योग 10 हो, और दोनों टुकड़ों में 10 से गुणा कर लेंगे, और हमारा आंसर होगा। तो चलिए इस बात को आप समझ गए हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर हमें आप दे दीजिए, एक वस्तु जब 21 में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने में वस्तु खरीदी गई,
तो वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया ये हमको बताना है। तो भैया 21 दिया गया है यहाँ पर, ये सवाल आप रोक लीजिए, इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। इसको वीडियो को रोककर आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए और फिर इसका सलूशन देखना। 21 में बेचने पर उतनी प्रतिशत की हानि हो रही, तो हानि के केस में क्या करेंगे, दो टुकड़े करेंगे जिनका योग 10 हो। तो 3 सत्ते 21, और 3 और 7 का योग 10 होता है, और एक एक जीरो बढ़ा देंगे, यही हमारा आंसर होगा। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 30 या 70, ये हमारा आंसर है, 30 या 70, ये हमारा उत्तर है। ठीक है, बस कितना ही नहीं था। चलिए एक और टाइप है, वो भी आप समझो, ये भी टाइप बहुत ही खतरनाक है, जिसमें बच्चे बहुत ही गलती करते हैं। जैसे अच्छा, इसी रिलेटेड पीछे एक क्वेश्चन डिस्कस किया था सबसे पीछे वाले पार्ट में, 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता था। अच्छा, वहां पर क्या ऐसा सवाल होता था कि 15 अंडों को बेचने पर 10 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, ऐसा करके देखते थे कि 15 अंडों का विक्रय मूल्य 10 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या अथवा हानि का प्रश्न बताएं। ये सवाल अलग है, इसमें तो ये कहा गया है कि 15 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 10 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ हानि बताएं, ये अलग चीज है। इसमें लाभ हानि बताएं पूछता है, इस वाले सवाल में लाभ या हानि पहले बता देगा। देखो कैसे, 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यहां पर पहले ही पता चल जाता है कि लाभ हो रहा है कि हानि। लाभ होता है तो लाभ का परसेंटेज पूछा जाएगा, इस क्रय विक्रय में प्रतिशत लाभ बताइए, अगर आपको हानि हो रही होगी तो हानि का प्रतिशत पूछेंगे, बस इतनी सी बात है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग कैसे लगाते हैं, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं, बस आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है खासकर। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें, लाभ वाले केस जब भी आता है, लाभ वाला केस, तो कुछ ना कुछ माइनस करके रहता है, और हानि वाले केस में आप देखते होंगे तो प्लस करके रहता है। मतलब ये कहीं पर भी प्लस और हानि हो सकती है, मतलब आप ये कि ये थोड़ा सा समझ लीजिए फंडा, फिर उसके बाद में हम लोग चलते हैं। जो बेसिक क्लास हुई थी पहली, वो उसमें हमने आपको ये चीज़ सिखाई थी कि लाभ कैसे होता है। लाभ होता है हमेशा विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो ये लाभ कहलाता है। और हानि कैसे होती है, हानि होती है जब आपको सीपी में से एसपी घटाने को कह दिया जाए, ठीक है, ये तब हानि होती है। ये चीज़ आपने पढ़ रखी है। अब देखिए 15, अच्छा और एक चीज़ ये भी ध्यान रखने नोट, चाहे लाभ हो चाहे हानि, हमेशा किस पर होती है, सीपी पर होती है, यानी कि सीपी पर ही हानि या लाभ होता है, यानी कि सीपी पर ही, यानी कि क्रय मूल्य पर ही लाभ हानि लिया जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। तो 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि हमको क्रय मूल्य दिया गया है और लाभ भी दिया गया है, तो भैया लाभ का परसेंटेज निकाल दो। अच्छा, लाभ निकालने के लिए आपको क्या जरूरत होता है, लाभ निकालने के लिए आपको जरूरत होता है लाभ कितना हुआ है। अब लाभ प्रश्न निकालने की क्या जरूरत होता है कि कितना लाभ हुआ है और बटे में सीपी और गुणे में 100, यही तो आपको चाहिए लाभ प्रश्न निकालने के लिए। हानि कैसे निकलती है, हानि भी समझ लो, हानि प्रश्न निकालनी तो कैसे निकलेगी, तो आप देखेंगे कि हानि कितने की हुई है, बटे में सीपी गुणे में 100। तो इसीलिए तो हमने आपको समझाया कि चाहे लाभ हो चाहे हानि, हमेशा किस पर होता है, सीपी पर होता है। तो लाभ प्रतिशत इस वाले सवाल में पूछा गया है, तो हमें क्या चाहिए होगा, लाभ और सीपी। तो ये देखिए 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, जब भी क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ का परसेंटेज पूछें, तो आप लाभ देखिए कितना हो रहा है, लाभ यहाँ पर हो रहा है 3 का, और क्रय मूल्य के बराबर है इसलिए 15 यहाँ पर क्रय मूल्य है और गुणे में लगा देंगे 100। अब आप कहेंगे तो ये बेचने पर ये क्या है, तो ये तो फालतू की बात है, इस पर आप ध्यान नहीं देंगे, शुरू वाले में ध्यान नहीं देंगे, यहां पर आप ध्यान दें कि 15 अंडों को बेचने पर हर सवाल में दिया जाएगा आपको, हानि वाले में दिया जाएगा, लाभ वाले में दिया जाएगा, अंतर यहां पर पड़ेगा इस वाले, यहां से यहां पर आपको क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य दे देगा, तब यहां सवाल बदल जाएगा और लाभ की जगह यहां पर हानि दे देगा। तो देखो, जब आपको लाभ क्रय मूल्य दे तो जो वैल्यू दी गई है वो आपको नीचे बड़ी वाली रख देनी है। तो यहाँ पर लाभ पूछ रहा है तो लाभ यहाँ 3 का होगा, तो 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी कि वो सवाल आपसे ऐसे कर रहा है कि 15 जब अंडे आप बेचोगे तो आपको जो लाभ होगा, ये लाभ ये बराबर होगा किसके,
तीन अंडों के क्रयमूल्य के बराबर, तीन अंडों के क्रयमूल्य के बराबर। तो लाभ कितने का हुआ? तीन का। तो क्रयमूल्य कितना है? 15 का। ये पीछे बात समझा चुके हैं। तो तीन का लाभ है 15 पर गुणे में 100, 3 एकम 3, 3 5 15, और 5 को 100 से काटोगे तो 20% हमारा आंसर है। हालांकि ये सवाल आपका 3 सेकंड का है, 2 सेकंड का, बस ये आपको बैकग्राउंड समझाने में टाइम लगा जो आपको इतना ये सब समझाया है। अब अगर आपको पता होता तो ये सवाल सेकंड में हो जाता है। जस्ट इसके आगे वाले सवाल समझिए, देखिए समझिए। 24 संतरे बेचने पर, बेचने तो हमेशा ही दिया जाएगा, इससे कोई मैटर नहीं करता है, 4 संतरों के क्रयमूल्य क्रयमूल्य के बराबर हानि होती है, क्रयमूल्य के बराबर हानि होती है। तो भैया हानि अगर आपको निकालनी है, हानि प्रतिशत, तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि हानि कितने की हुई है। ये सवाल कैसे लिखेंगे इसको देखिए। 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रयमूल्य के बराबर हानि होती है, यानी कि हानि हो रही है किसके बराबर हो रही है? 4 संतरों के क्रयमूल्य के बराबर। तो सीपी यहाँ पर 24 है, हानि 4 की है, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमें हानि जरूरत होती है, तो वो तो 4 है, और आपका सीपी कितना है? 24 है, गुणे में क्या लगा दोगे? 100। तो 4 एकम 4, 4 6 24, और 1/6 होता है 16, सही 2/3%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब आप भाग करोगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ 50 आ जाएगा, 50 16 3 48, बचे 2 और 3/2, तो ये आपका हानि का परसेंटेज है। तो यहाँ पर देखिए, जब क्रयमूल्य दिया जाता है तो आपको बहुत ही संभल कर आप ध्यान रखें कि क्रयमूल्य दिया जाएगा तो आपको कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करनी है वैल्यू में, 4 ऊपर रख देंगे 24 नीचे गुणे में 100। लेकिन अब आपको वैल्यू यहाँ पर चेंज हो रही है, देखिए। रामू 33 सेब बेचकर हमेशा दिया जाएगा, इसलिए यहां से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 11 सेबों को विक्रय मूल्य के बराबर। भैया विक्रय मूल्य, ये देखिए ये पॉइंट है, यहां पर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, प्राप्त होता है। तो बताइए रामू को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो लाभ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? लाभ निकालने के लिए दोस्तों हमें लाभ चाहिए होता है, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें दोस्तों लाभ चाहिए होता है, और हमें क्रयमूल्य दिया गया होता है। और इस पूरे सवाल में आपको कहीं पर क्रयमूल्य नहीं दिया जाएगा, ये शुरू में बेचकर कहा गया है, तो पीछे वाले सवाल में भी बेचकर कहा गया था, लेकिन यहाँ तो विक्रय मूल्य कहा गया है और यहाँ लाभ है, तो क्रयमूल्य गायब है, तो क्रयमूल्य निकालते कैसे हैं ये चीज समझो। तो एक चीज समझो, सीपी, एक चीज पहले यहां पर ये भी समझो, ये जो पीछे पॉइंट लिखा था ये समझिए, पीछे पॉइंट क्या लिखा था कि लाभ कैसे होता है? लाभ होता है आपको विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें सीपी निकालना है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य में से लाभ घटाना पड़ेगा, यानी कि लाभ को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा विक्रय मूल्य में से। कब? जब आपको सीपी निकालना है, ठीक है। अब देखिए, रामू 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, यानी कि 33 सेब बेचकर लाभ हो रहा है, और ये किसके बराबर है? ये 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर। इसका मतलब यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है? 33। लाभ कितना हो रहा है? 11 का, यानी कि विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दोगे तो सीपी आ जाएगा, यानी कि 33 में से 11 घटा दोगे तो ये 22 आ जाएंगे, और ये 22 क्या है? ये आपका सीपी है। तो आप समझिए, अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? लाभ। तो लाभ दिया गया है कितने का? 11 का। तो 11 का लाभ कितने पर? 22 पर, गुणे में लगाएंगे 100। दोस्तों यहाँ 22 ही लिखे जाएंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, और 2 से 100 को काटोगे तो 50% हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये 22 कैसे आए? जब भी ध्यान दें, विक्रय मूल्य में से आपको लाभ घटाना पड़ेगा तब सीपी आएगा, और सीपी पर ही लाभ होता है, इसलिए यहाँ पर 22 लिखना जरूरी है। विक्रय मूल्य लिख दोगे तो ये सवाल चला जाएगा। बहुत सारे बच्चे जब गलती करेंगे वो ऐसे करेंगे, 11/33 × 100, 11 3 33 और 100/3 मतलब 33 से 1/3%, ये बिल्कुल गलत है, तो इसमें गलती होगी आपकी, ठीक है, ये गलती ना करें इसलिए हम लोग बैठे हैं। तो श्याम 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। हानि वाले केस में आपको जुड़ना रहता है, देखिए कैसे हानि कैसे होती है। हानि होती है जब आप सीपी में से विक्रय मूल्य को घटाते हो, ठीक है भैया। अब चूंकि हमें क्रय मूल्य ही निकालना है तो आप क्या करेंगे? हानि और विक्रय मूल्य इधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा और बराबर आपकी सीपी हो जाएगा, यानी कि आपको अगर क्रय मूल्य निकालना है
तो विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ना पड़ता है, विक्रय मूल्य को हानि में जोड़ना पड़ता है, इसीलिए हम ध्यान रखते हैं कि हानि के साथ में जोड़ आता है और लाभ के साथ में आपको माइनस आता है। ये बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, ये बहुत ही स्पीड आपको बढ़ाते हैं। जैसे हानि देखा तुरंत घटा, तुरंत जोड़ दो, जैसे लाभ देखा तुरंत घटा दो। ये चीज है, जैसे 65 नींबुओं को बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसे हानि का परसेंट बताओ। तो भैया हानि का परसेंट निकालने के लिए हानि हमें चाहिए, तो वो तो पता ही है 13 की, और यहाँ विक्रय मूल्य दिया गया है, इसीलिए हमको हानि हुई है तो घटाना नहीं जोड़ना पड़ेगा, लाभ में जोड़ घटाना पड़ता है, हानि में जोड़ना पड़ता है। यानी कि 65 और 13 कितना हो जाएगा, 78, गुणे में क्या लगा देंगे 100, 13 एकम 13 3 6 78, 1/6 अभी निकाला था कितना आया था 16, सही 2/3%, ये हमारा आंसर है। तो देखो कितने अच्छे सवाल थे दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ हाईवे क्लासेस के साथ में, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी जो है अपने टारगेट को अचीव करने में। आप सभी लोग बने रहें, आपको कंप्लीट यहाँ पर जो है मैथ और साइंस वगैरह की वीडियो मिलेंगी, आप उनको अच्छे से तैयार करिए। जो भी डाउट है उसके लिए भी हम बैठे हैं, तो इंस्टाग्राम पर हमने बताया, अपना डाउट भेज सकते हैं, जब टाइम होगा हमें आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। बाकी अपने यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और ऑल नोटिफिकेशन जो बेल होता है उसमें ऑल को क्लिक करना है, तभी आपको फुल नोटिफिकेशन मिल पाएगा वो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।